आज 14 जून 2024 टाइम हो गया सुबह 8:40 1-9 अथॉरिटी फिलहाल तक 8 मिनट लेट हो चुकी है। अब महमूद कोर से इसका डिपार्चर हो गया है 8:40 पे, तो 9:02 तकरीबन सनामा पहुंचेगी, यानी 31 मिनट्स लेट। हालांकि मुल्तान से भी इसका राइट टाइम डिपार्चर हुआ था और 128 डाउन का रास्ते में क्रॉस भी नहीं होता, यानी 128 डाउन को रोका जाता है, फिर भी ट्रेन जो है ना 2 घंटे लगाती है मुल्तान से सनामा तक अक्सर। पता नहीं ये क्या वजह है, कोई रास्ते में जो है ना ट्रैक बन रहा है या कोई और इशू होगा। तो आज 129 साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBO 28052, काफ़ी अरसे के बाद 8052 जो है ये वर्किंग में आ गए 129 के साथ, और 8052 जो है ये 6 नाच पर मुश्तमिल है। तो पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि 8078 जो है ये 8 नाच पर मुश्तमिल है, लेकिन 8 नाच पर नहीं है। कल मैं इसके अंदर गया हूँ कैब में काफ़ी अरसे के बाद, तो 8078 के मैंने देखे हैं, 6 नाच के आगे जो है ना ब्लॉक लग गए हैं। यानी पहले एक दफ़ा मैं गया था 8078 का, 8078 के अंदर, तो उस वक्त इसके 8 नाच थे, तो अब जो है ना इसके आगे ब्लॉक लगा दिए 6 नाच के आगे, और अब 6 नाच पर 8078 को फिट कर दिए गए, और मोटरें इसकी पहले 4 थी, तो अब इसकी मोटरें जो है वो 6 करके 6 नाच कर दी हैं, 6 नाच 6 मोटरों पर मुश्तमिल है 8078। तो आज आपको बताता हूँ मैं मुल्तान से कुंदिया तक टोटल जो है कितने स्टेशन आते हैं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए या गुड्स ट्रेन के लिए, वैसे स्टेशनों के नाम भी बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्तान से 127 चलती है, उसके बाद दूसरा स्टेशन उसका आता है शेरशाह, ये पहला स्टेशन हो गया यानी कि मुल्तान के बाद के बता रहा हूँ। उसके बाद चनाब वेस्ट बैंक, दूसरा चनाब वेस्ट बैंक ML2 का पहला स्टेशन है, वैसे मुल्तान के लिहाज से आपको बता रहा हूँ मुल्तान से कुंदिया तक सारे स्टेशन। तो ये 2 स्टेशन हो गए चनाब वेस्ट बैंक तक, उसके आगे आता है फिर मुजफ्फरगढ़, 3 हो गए, फिर उसके बाद थ्रू पास वाला स्टेशन जहाँ से गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो थ्रू होती है, थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ से आगे आता है, ये 4 हो गए। उसके बाद बौद्ध स्टेशन जहाँ पर ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है, ये 5, और उसके बाद लाल पीर ये भी इधर से ट्रेन थ्रू होती है 6, इसके बाद महमूद कोट, फिर गुरमानी और फिर सलामा, 8 स्टेशन इधर हो गए, और 8 के बाद 9वां स्टेशन है कोटादू से अगला स्टेशन देहरादून पना, फिर एहसानपुर, कोट सुल्तान, जमन शाह और लिया से आगे फिर द्रट्टा आता है। ये काउंटिंग सारे स्टेशनों की जो है वो एंड पर करेंगे, अभी आपको नाम बता रहा हूँ ब्रांच लाइन पर जितने भी स्टेशन हैं, यानी मुल्तान से लेकर कुंदिया तक के स्टेशनों के जो है ना नाम मुझे पता है, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 129 और 128 या जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है तो इन स्टेशन पर स्टॉप करती है, जहाँ पर थ्रू होती है वो भी आपको बताऊँगा, ताकि आप अगर कभी 129 या 127 या किसी भी ट्रेन में सफ़र करें जो ब्रांच लाइन पर वर्किंग वाली ट्रेन हो, तो आपको जो है ना मेरी वीडियोस के ज़रिए पता होना चाहिए। अगर आप न्यू हैं इस सेक्शन पर तो आपको पता होना चाहिए कि इधर कौन कौन से स्टेशन जो आते हैं। तो लिया से अगला स्टेशन है द्रट्टा से ट्रेन जो है सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप पहले थ्रू होती थी, आज का स्टॉप जो है इधर कर दिया गया। द्रट्टा से अगला स्टेशन आता है करोड़ लालिसन, ठीक है, वैसे इधर इसके स्टेशन बोर्ड पर सिर्फ करोड़ लिखा हुआ है। करोड़ से आगे बिहल, और जो स्टेशन आपको बता रहा हूँ इधर सारी जो है ना ट्रेनों के स्टॉप हैं, 129 के भी हैं, 128 के भी हैं, 127 के हैं और 130 डाउन के भी हैं। इसके बाद बिहल के बाद आता है नोतक, इधर से 4 ट्रेनें जो हैं ये थ्रू होती हैं, नोतक में स्टॉप नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन की वर्किंग इधर नहीं है, यानी मुसाफिरों की इधर नहीं होते मुसाफिर ज़्यादा। इसके बाद नोतक के बाद आता है बखर, इधर 4 ट्रेनों का जो है 5 मिनट का स्टॉप है। बखर के बाद फिर आता है दरिया खान, इधर भी स्टॉप है पड़ा, तो दरिया खान से आगे पांजीगरई से आगे शाह आलम, तो शाह आलम में 127 का स्टॉप नहीं है, 128 का भी स्टॉप नहीं है, 130 और 129 का स्टॉप है बड़ा। शाह आलम से आगे एक स्टेशन आता है क्लोज स्टेशन बेबल शरीफ, तो इधर से भी कोई ट्रेन जो है ना रुकती वगैरह नहीं है इधर, पहले इधर जो है स्टेशन का अमला वगैरह भी मौजूद होता था, लेकिन जब से ये स्टेशन जो है ना ख़त्म हुए तो अब इधर जो है ना खंडरात जो है ना सिर्फ खड़े हैं स्टेशनों के आसार नज़र आ रहे हैं कि कभी इधर स्टेशन होता था, बाकी सारा जो है ना सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यानी अब लाइन भी उधर सिंगल कर दी गई, पहले डबल लाइन थी, जब स्टेशन हो तो आपको पता है डबल लाइन होती है। तो मेबल शरीफ से आगे अगला स्टेशन आता है कलूर कोट, तो इधर भी 4 ट्रेनों का स्टाफ है, कलूर कोट से आगे ये सारा सैंडी एरिया है, ठीक है, पांचगरई से कुंदिया तक सारा जो है ये सैंडी एरिया है, ट्रैक जो ख़राब ट्रैक है इधर काशन वाला। तो कलूर कोट से अगला स्टेशन पिपला से अगला स्टेशन आता है अलूवली, मुल्तान डिवीजन का आखिरी स्टेशन अलूवली है, और कुंदिया अगला स्टेशन अलूवली से अगला स्टेशन कुंदिया जो है ये पिशावर डिवीजन का स्टेशन है, ठीक है। तो मुल्तान से लेकर अलूवली तक जो सारे स्टेशन आते हैं ये हैं मुल्तान डिवीजन के रेलवे स्टेशन, और जो कुंदिया है ये पिशावर डिवीजन में आता है, यानी पिशावर साइड पे जो स्टेशन आते हैं उस डिवीजन में आता है ये। तो जो भी स्टेशन मैंने आपको बताएं
तो इन इस पर जो है ना ट्रेनों के स्टॉप हैं पर सिर्फ नौ तक में 129 किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। इसके अलावा लाल पीर में किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, थर्मल पे किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है और चनाब वेस्ट बैंक पे किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। बाकी सारी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन जो है ना मैंने आपको दी है स्टॉप्स की और स्टेशनों के नेम भी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। 129 आ रही है 52 के साथ, फिर देखते हैं 129 आप थल एक्सप्रेस आप सनामा किलोमीटर नंबर 55/2 यानी सनामा लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है। तो आज हम इसी जगह से ही 129 अब थल एक्सप्रेस पास होते हुए देखेंगे 8052 जो कि काफ़ी अर्से के बाद आ रहा है उसके साथ। आजकल वैसे 8078, 8052 और 8079 ये तीन इंजन जो हैं लिंक पर चल रहे हैं, परमानेंट लिंक पर यानी 129, 128, 130, 127 के साथ। तो आज मैं उसी जगह पर ठहरा हूँ जहाँ से वेरी वीक रेलवे ट्रैक है, तो स्वीटेस्ट ट्रैक्स के साथ 129 पास होते हुए देखेंगे। आप सनामा लेवल क्रॉसिंग पे अप्रोच कर रही है। तो आज इस जगह से पास होते हुए देखते हैं 10 कोचिस के साथ फुली लोडेड 129 अथल एक्सप्रेस। आज तो 8040 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं 8052 ने धुआं छोड़।
नहीं है।